गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द एक्सरसाइज 14.1 वी हैव डिस्कस टू क्वेश्चंस. टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बेटा फाइंड द पेरीमीटर. क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ भी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ. किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल का. और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करते हैं और फिर उसको किससे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो भी 2 times होती है रेक्टेंगल में और ब्रेथ भी 2 times होती है. सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 9.6 cm. इट मीन्स लेंथ की मेजरमेंट क्या है? 9.6 cm और ब्रेथ की मेजरमेंट क्या है? 7.9 cm रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स जो पहले जो वर्ड है लेंथ, उसके लिए जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो 9.6 है लेंथ के लिए और ब्रेथ के लिए 7.9 cm. सो हेयर नो नीड टू ड्रॉ द फिगर. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द फिगर यू हैव टू ड्रॉ, अदरवाइज नो नीड. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड वी आर डूइंग द सोल्यूशन. सो स्टेटमेंट क्या बेटा यहाँ पे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. किसकी लेंथ? रेक्टेंगल, क्योंकि जो फिगर है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9.6 cm, यही है. देन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ब्रेथ क्या है? ब्रेथ क्या बेटा? 7.9 cm. क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × मीन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 × लेंथ, एल जो हमारी है लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट क्या है? 9.6 cm. प्लस जो ब्रेथ है, ब्रेथ की मेजरमेंट क्या है? 7.9 cm. ओके, यूनिट इज नेसेसरी, सो राइट द यूनिट विद ईच नंबर, एवरी नंबर जहां पे राइट करना है. सो 2 × 9.6 और 7.9 को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एड. अब 6 + 9 = 15. 15 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5. हाउ मच कैरी? 1. 9 + 7 = 16. 16 और हमारे पास 1 कैरी था, क्या आया? 17. सो क्या आ गया बेटा? 17.5 cm. इट मीन्स 2 × 17.5 cm. नाउ 17.5 cm को हमें 2 से क्या साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई. 2 × 5 = 10, कैरी कितना है? 1. 2 × 7 = 14 और 1 कैरी था 15. अगेन 1 कैरी. 2 × 1 = 2 और 1 कैरी 3. अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि डेसिमल लगेगा, सेंटीमीटर. सो आंसर क्या आया? 35 cm. सो द पैरामीटर क्या निकालना हमें? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 35 cm. जो हमें गिवन स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेक्टेंगल है उसका पैरीमीटर क्या आया बेटा? 35 cm. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसकी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है बेटा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग मीन्स होता है बेटा किसी भी चीज की, यानी कि जो भी रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कोई भी एनीथिंग इज, उसकी फेंसिंग मीन्स उसकी बाउंड्री पे वर्क करना. फेंसिंग जैसे जो चुन्नी होती है, चुन्नियाँ पे क्या है? बाउंड्रीज लगी होती है. जैसे ये लेस लगी हुई है तो ये भी क्या है? इस पर फेंसिंग. अब जो ये हमारा बोर्ड है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके चारों तरफ ये क्या है? सिल्वर टाइप कलर की वो लगी हुई है, तो ये भी क्या है? फेंसिंग है. अंडरस्टैंड? फेंसिंग मीन्स होता है जो बाउंड्री पे वर्क होता है, और जो अगर कोई भी वर्क जो बाउंड्री पे होता है
तो वो क्या होता है, पेरीमीटर। क्या निकलता है, क्योंकि जो बाउंड्री है क्या है, पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री के बारे में जब भी हम बात, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, पेरीमीटर पे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल, बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन, एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, एनी टाइप ऑफ फिगर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब हमें फेंसिंग वर्ड से ये पता चला है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकाल, क्या कर फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब आगे में भी अनदर थिंग ऑल्सो गिवन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर, किसकी फेंसिंग करनी है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड गिवन है, खेत गिवन है हमें, ओके। सो 250 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ यानी कि लंबाई, जो लॉन्ग लंबाई उस फील्ड की जो लेंथ है वो 250 मीटर है। 250 मीटर क्या है, लॉन्ग यानी कि लेंथ, एंड 130 मीटर वाइड, वाइड मीन्स विड्थ यानी कि ब्रेथ, ओके, एट रुपीज। अब जो हमें फेंसिंग करनी है वो कैसे करनी है, ₹30 पर मीटर, यानी कि एक मीटर पे फेंसिंग। अगर जो हमारा फील्ड है उस फील्ड पे हम फेंसिंग करवाते हैं, कोई भी हम बाउंड्री लगवाते हैं, वायर तार से वायर हम फेंसिंग करवाते हैं, या फिर हम ब्रिक से उसकी फेंसिंग करवाते हैं, या एनी टाइप ऑफ फेंसिंग इज गिवन, जो भी हम फेंसिंग करवा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, हमें ₹30 पर मीटर कि एक मीटर पे फेंसिंग करवाने के लिए कितना खर्च आता है, ₹30 आता है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की। तो हमें पूरा जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी हमें फेंसिंग फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे बेटा, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द अपर साइड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेंथ, लॉन्ग मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, लेंथ उसकी 250 मीटर। देन विड्थ यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेथ क्या है उसकी यानी कि विड्थ क्या है, 130 मीटर, ओके। अब फेंसिंग करनी है तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर, क्योंकि जो हम फेंसिंग करेंगे वो पूरी बाउंड्री की करनी है, चारों तरफ करनी है, तो चारों तरफ करनी है तो चारों तरफ हमें पहले टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और टोटल लेंथ क्या उसकी, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 लेंथ प्लस विड्थ, ओके। नाउ 2 लेंथ क्या है हमारी, 250 मीटर प्लस विड्थ यानी कि ब्रेथ क्या है, 130 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 250 और 130 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8, 2 एंड 1 3, 380 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 380 मीटर, 2 की और 380 मीटर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 760 मीटर, 38 टू ज़ा होता है बेटा 76, सो 380 टू ज़ा 760 मीटर। ये क्या है, उस फील्ड की टोटल लेंथ है, यानी कि टोटल जो बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर है वो क्या, 760 मीटर। और अब हमें क्या करना है, उसकी फेंसिंग निकालनी है। अब जो फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो हमें पर मीटर, ये भी मीटर में है और कॉस्ट भी हमें मीटर में गिवन है, तो 1 मीटर पे, पर मीन्स होता है 1, यानी कि 1 मीटर पे जो फेंसिंग कॉस्ट है वो क्या है, ₹30 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर ऑफ फील्ड इज ₹30। 1 मीटर पे जो फेंसिंग कॉस्ट है वो क्या है, ₹30। हमें कितनी की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 760 मीटर, और जो 1 से हम जब ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर की अगर ₹30 है तो 760 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी,
मोर होगी, ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, 760 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 30, 30 को हम 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 10 यहाँ इसमें है और 10 इसमें है, सो बोथ दोनों की जीरो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएंगे। नाउ 36 जा 76 की और 3 की मल्टीप्लाई करो, 36 जा 18, 1 कैरी, 37 जा 21, 21 और 1 कैरी था 22, तो क्या आई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या आई 22,800। अब जो वो फील्ड है उसको कंप्लीट को फेंस करवाने के लिए, फेंसिंग के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, 22,800। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज रुपीज 22,800। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 22,800। अंडरस्टैंड? नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th जो हमारा यहाँ पे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप। एक मेटल की स्ट्रिप है, जैसे हमारे बोर्ड पे भी एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई ना बाउंड्री पे, फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ पिक्चर। एक पिक्चर को क्या करना है, फ्रेम करना है। अब जो पिक्चर है, जो फ्रेमिंग होती है, तो उसकी क्या है, बाउंड्री पे वुडन की या फिर किसी भी मेटल की स्ट्रिप लगी होती है ना, सो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ पिक्चर। एक पिक्चर को फ्रेम करने के लिए जो कंप्लीट जो रिक्वायर्ड जो मेटल होगी हमें वो बतानी है, जिसकी लेंथ, अब जो वो पिक्चर है, वो जो फ्रेमिंग की गई पिक्चर है, उसकी जो लेंथ है वो 54 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 39 सेंटीमीटर है। अब क्या है, हमें मेटल की टोटल मेटल निकालना है कितना यूज़ हुआ, तो वहाँ पे भी क्या है, जो मेटल है वो सिर्फ उसकी बाउंड्री पे लगा हुआ है, इट मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका पेरीमीटर। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन क्या है, लेंथ क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ पिक्चर। ओके, सो लेंथ ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम हमें गिवन है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, जिसके हमें पिक्चर, जिसके अंदर हमें पिक्चर लगानी है, वो जो फ्रेम है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 54 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ, ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ ऑफ फ्रेम क्या है, 39 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ फ्रेम, वो जो फ्रेम जो लगेगा उसकी जो बाउंड्री का, यानी कि टोटल जो पेरीमीटर होगा उसका क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ क्या है 54 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 39 सेंटीमीटर है, सो 2 मल्टीप्लाई 54 और 39 को ऐड करो, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 कैरी 9, 93 सेंटीमीटर। और 93 2 से क्या होता है 186, क्योंकि देखो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 सेंटीमीटर। सो अब जो 186 सेंटीमीटर क्या है, वो क्या है, मेटल की रिक्वायरमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप। तो हम क्या लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ पिक्चर इज 180 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द मेटल, सो द लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप, लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप रिक्वायर्ड
required to frame a picture, to frame a picture is 186 centimeters. Understand? So today you have to do the question number 3rd, 4th and 5th.